तो स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग भाई जी के चैनल पे। तो दोस्तों आज हम क्या करने जा रहे हैं? हिमाचली धाम। आज हमारे घर में है धाम। तो हिमाचली धाम में आज देखेंगे कि पूड़े जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, और आज का व्लॉग जो शूट होगा वो होगा शौर्य और कार्तिक के, यही दोनों शूट करेंगे आज। तो कौन पकड़ना चाहेगा पहले कैमरा? मैं। कितने उत्सुक हुआ है कि कैमरा कौन पकड़ेगा। चलो करते हैं स्टार्ट उसके बाद कि कैसे कैसे क्या होगा। तो अभी सबुवी और मैं हैं यहाँ पे, कार्तिक नहीं है हमारे साथ। सबुवी लकड़ियाँ काट रहे हैं, मतलब समदा देख सकते हैं आप। और आज 4 साल बाद मेरे जो दादू थे वो एक्सपायर हुए थे पहले 4 साल पहले, तो आज 4 साल बाद उनका बरखा है, तो इसलिए हवन के लिए भी चाहिए, खाना बनाना भी ऐसे बना रहे खाने। और अभी हम सबुवी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, अभी औरों को भी बुलाएंगे इसे उठाने के लिए, उठाने मतलब। तो सब ये अपने हाथ का दम दिखाते हुए मैं इसको थॉर की तरह तोड़ दूंगा, हाथ की तरह, ठीक है? नहीं सॉरी, कैप्टन अमेरिका की तरह तोड़ दूंगा। कैप्टन अमेरिका सोच रहे अभी अपने को, बाद में पता लगे कैप्टन अमेरिका की तरह क्या हूँ मैं, कहाँ लगना चाहिए और बज कहाँ रहा है। मिट्टी में वाजी वाह, मिट्टी को कोई काट सकते हैं? तो इन वादियों में घूमिए, हिमाचल में आइए, हिमाचल में आइए। तो यहाँ पे घूमते अभी क्या करते, फिर लकड़ियाँ ले चलेंगे और तो क्या ना, और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पूड़े कैसे बनते हैं। अब सब भैया यहाँ पूड़े बनाने लग चुके हैं, तो अभी ने देखी कि इन्हें पूड़े बनाने आते भी हैं कि नहीं आते, कि ऐसे ही आते, ऐसे डाला जाता है, उसके बाद इसको घुमाया जाता है ताकि थोड़ा लंबी हाइट में ये विड्थ हाइट और सर्कुलर हो जाए। इसलिए पकड़ो करते दिखाओ जरा, ये वाला पूड़ा जुगन दीदी ने बनाया है और ये वाला जय दीदी ने। ये वाला भी जुगन दीदी ने, जुगन दीदी तो हर काम अच्छे से करते हैं। मैंने किया देख, मेरा कितना अच्छा है। और सब भैया तो उससे भी अच्छे से करते हैं। हिमाचल में पूड़े कुछ इस ढंग से बनाए जाते हैं, और यहाँ अभी ऐसे बनाए रखे हैं गाइड, ये देखिए ऐसे बनाने वाले पूड़े, तो जो ढंग बनाए हैं वो ये अंकल है। नहीं बेटा फैन तो एक नाम कर देना है, पर अब अगला फिर ये जय दीदी करेंगे। तो डाल भी ना, देख कर ही मन कर रहा है कि हम इसे खा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि पूड़े यानी कि माल पूड़े कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको एक कड़छी में ये घोल लेना है, और ये आटे का घोल तवी पर डालना है जिसमें तेल भी होगा, और उसकी वजह से ये तल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि कैसे तल रहा है, और ये निचोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ब्राउनिश कलर आ गया तो समझ लीजिए पक गए हैं और निचोड़ा जाए इन्हें। और आपको मैं बता दूँ कि आटे का घोल होता है वो एक रात पहले तैयार किया जाता है, उसमें गुड़ या फिर चीनी डाल के उसका मिठास बढ़ाई जाती है। एंड तवी में जो तेल है वो रिफाइन ऑयल यानी कि सोयाबीन, या आप घी का उपयोग भी कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि पूड़े कभी फटे ना, ना ही फटे और ना ही एक दूसरे से चिपक जाए। अगर ये चिपक गए तो बहुत ही मुश्किल होगी। और ये देखिए तेल पूरी इक्वल प्रोपोर्शन में जाना चाहिए, और निचोड़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे तेल की बचत भी होगी और एक्सेस ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा। और पलटी काफ़ी ज़रूरी है मान, ये देखिए जैसे डाल दिया है इन्होंने, और अब इसे स्क्वीज़ करने जा रहे हैं। स्क्वीज़ किया, ये देखिए एक्सेस तेल निकला, और किसी और बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो तुसा के कीशी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बतायो एंड सब्सक्राइब भी कर लियो, लाइक भी कर लियो। धन्यवाद।